उसे किसी के नाम की जरूरत नहीं है, फिरते वो नाम बना लेता है। तो गाइस अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो आपने देखा ही होगा अभी के टाइम पर कुछ इस तरह का नेम वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है इंस्टाग्राम की रील्स पर। तो आज मैं आपको इसी का ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ। अगर गाइस अभी के टाइम पर आप इस तरह का वीडियो बनाओगे तो आपका वीडियो मिलियन में जा सकता है, मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ। बट आपको इस तरह का वीडियो बनाना किस तरीके से, उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना है। बाकी गाइस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर बता दूंगा। अब आपको इस तरह का नेम वाला वीडियो एडिट करने से पहले आपके पास एक नेम का जो पॉइंट होता है ना, वो वाला पॉइंट होना जरूरी है। तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अपने गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। तो जैसे कि आप क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, आपको सर्च बॉक्स में द फॉन्ट लिखकर आपको सर्च करना है। स्क्रीन पर जो द फॉन्ट लिखा है ना, आपको सेम तरीके से सर्च करना है, फर्स्ट वाली वेबसाइट को आपको ओपन करना है। जैसे कि आप फर्स्ट वाली वेबसाइट को ओपन करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना है, मैं आपको सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ऊपर की साइड में काफी सारे पॉइंट यहाँ पर शो कर रहे हैं, मैं आपको जूम कर बता रहा हूँ। आपको यहाँ पर एक स्क्रिप्ट वाला एक ऑप्शन मिलेगा, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ जूम कर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो आपको जो स्क्रिप्ट वाला है ना, इसमें आपको जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ना, मैं आपको जूम कर बता रहा हूँ, स्कूल के ऊपर की साइड में जो फर्स्ट वाला पॉइंट है आपको सिंपल से क्लिक करना है। जैसे कि आप क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारे पॉइंट ओपन होंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आपको थोड़ी नीचे की साइड में जाना है, आपको एक पॉइंट मिलेगा आनंदा नेम से, आप देख लेना आनंदा नेम से मिलेगा। तो सेम तरीके से आपको सिलेक्ट करना है, आपको यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करोगे आपका यहाँ पर पॉइंट डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। जैसे डाउनलोड होता है आपको सिंपल से ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर देख लेना आपका फाइल मैनेजर कहाँ पर है, जैसे कि यहाँ पर उसमें लिखा होगा एक्सट्रेट, जैसे कि मेरा यहाँ पर शो कर रहा है एक्सट्रेट फाइल वाला। तो सिंपल सी मैं इस पर टैप करूंगा। सबका डिवाइस अलग अलग होता है तो आपके में अलग तरीके से शो कर सकता है फाइल मैनेजर। तो आपको सिंपल सी अपनी फाइल पर टैप करना है। जैसे आप टैप करोगे यहाँ पर काफी सारे फोल्डर शो कर रहे हैं, बट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आप यहाँ पर जिस भी फोल्डर में अपना पॉइंट को ऐड करना चाहते हैं वो वाला फोल्डर अपने हिसाब से आपको चूज करना है। जैसे कि मेरे यहाँ पर काफी सारा फोल्डर शो कर रहा है। अब जैसे कि मैं पॉइंट वाले फोल्डर में एक्सट्रेट करना चाहता हूँ तो टिक मार्क लगाऊंगा डन नीचे की साइड में एक्सट्रेट। जैसे आप क्लिक करोगे आपका जो पॉइंट है ना आपके फोल्डर में ऐड हो चुका है। तो मैं आपको बता रहा हूँ आपको ये वाला फोल्डर कहाँ पर मिलेगा। अब आपको सिंपल से यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद में आपको अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे कि आप पिक्सल लैब को ओपन करोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आपको न्यू टेक्स्ट को डिलीट करना है एंड आपको प्लस के आइकन पर जाने के बाद में आपको एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको बैकग्राउंड को व्हाइट कर लेना है। बैकग्राउंड को व्हाइट करने के बाद में आपको ऊपर की साइड में प्लस के आइकन पर टैप करने के बाद में टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। अब आपको एडिट पर जाना है एंड आपका जो भी नेम है ना वो नेम आपको लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आकाश एंड मैंने यहाँ पर अपना नेम लिख दिया। स्टिकर को थोड़ा सा आपको बड़ा करना है। अब आपको जाना है इस कलर पर। कलर पर जाने के बाद में आपको पॉइंट में ब्लैक कलर को ऐड करना है। ब्लैक कलर को ध्यान रखना है, ब्लैक कलर ही आपको ऐड करना है। उसके बाद में आपको जाना है पॉइंट पर। पॉइंट पर जाने के बाद में आपने जो पॉइंट ऐड किया ना वो यहाँ पर अभी शो नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता रहा हूँ। उसके लिए आपको माय पॉइंट पर जाने के बाद में यहाँ पर आपको ऊपर की साइड में एक ऐड का ऑप्शन शो कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो सिंपल से आपको सेम मैंने बताया ना वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर वही फोल्डर शो करेंगे जो आपको अपनी फाइल मैनेजर में शो कर रहे थे। अब आपने जिस भी फोल्डर में अपना पॉइंट एक्सट्रेट किया था वो वाला फोल्डर आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने पॉइंट वाले में किया था तो मैंने यहाँ पर पॉइंट को सिलेक्ट किया। जैसे आप अपने फोल्डर को सिलेक्ट करोगे ना यहाँ पर आपको पॉइंट का आनंद नेम से मिल जाएगा। तो आपको सिंपल से अपना पॉइंट सिलेक्ट करना है, डन आपको ऐड करना है। जैसे आप ऐड करोगे ना तो इस तरीके से आपका पॉइंट ऐड हो जाएगा, जैसे कि आप ऊपर की साइड में देख पा रहे हो। अब आपने जो आनंदा वाला पॉइंट ऐड करने के बाद में आपको अपने पॉइंट में ऐड कर देना, इस तरीके से आपका पॉइंट चेंज हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं खुद लाइव प्रूफ के साथ में। अब आपको ऊपर की साइड में पॉइंट को ऐड करना है, जहाँ पर मैंने ऐड किया ना सेम तरीके से ऐड करना है। उसके बाद में आपको प्लस पर जाने के बाद में फॉर्म गैलरी पर जाना है एंड आपको यहाँ पर एक स्टिकर को सिलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पर जो स्टिकर सिलेक्ट करना है ना, इसका लिंक अभी आप जो वीडियो देख रहे हो इसी के कमेंट बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो वहाँ से आपको डाउनलोड करना है एंड आपको अपने नेम के हिसाब से इसको सही से ऐड करना है। जैसे कि मेरा नेम आकाश है तो मैं अपने नेम के हिसाब से इसको ऐड करूँगा। आप चाहो जैसे इसको अच्छे से ऐड कर लेना, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया। अब आपको एक बार फिर से प्लस के आइकन पर टैप करने के बाद में फॉर्म गैलरी पर जाना है। अब आपको इसको और भी रोमांटिक बनाने के लिए एक इमोजी वाले स्टिकर को सिलेक्ट करना है। तो इसका डाउनलोड लिंक भी आपको अभी जो वीडियो देख रहे हो इसी के कमेंट बॉक्स में एंड मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड करना है। अब आपको सेम तरीके से बैकग्राउंड को रिमूव करना है कलर वाले ऑप्शन पर जाने के बाद में एंड आपको स्टिकर को मैं बता रहा हूँ ना जहाँ पर आपको ऐड करना है, जो आपने फर्स्ट वाला स्टिकर ऐड किया था ना सेम इसके बीच में आपको ऐड करना है, जैसे मैंने किया ना सेम तरीके से अपने नेम के हिसाब से आपको ऐड करना है। जितना हो सके आपको अच्छे से अपना नेम क्रिएट करना है। इन स्टिकर के अलावा मैं आपको काफ़ी सारे स्टिकर दे दूंगा, बट आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा तभी आपको पता चल पाएगा। अब आपको यहाँ पर एक किंग वाला स्टिकर सेलेक्ट करना है। तो आपको प्लस के आइकन पर जाने के बाद में फॉर्म गैलरी पर जाना है।
एंड आपको ये वाला किंग वाला स्टिकर सिलेक्ट करना है। सभी मटेरियल का लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में एंड मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगा। एंड आपको इसको सिलेक्ट करने के बाद में आपको अपने नेम की आगे की स्पेलिंग के सामने ऐड करना है, जैसे मैंने किया ना इस तरीके से। अगर गाइस आपको इनसे और भी अच्छे अच्छे स्टिकर चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। इतना करने के बाद में आपको प्लस के आइकन पर जाने के बाद में एक और टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। डन, आपको एडिट पर जाकर यहाँ पर आपको इमोजी ऐड करना है। तो यहाँ पर आपको 3 इमोजी बना देना, आप अपनी पसंद का यहाँ पर बना देना। फिलहाल मैं अपनी पसंद का यहाँ पर बना रहा हूँ एटीट्यूड टॉपिक का। तो यहाँ पर मैंने 3 इमोजी बना दिया। इमोजी को बनाने के बाद में सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें शैडो को इनेबल करना है। लास्ट में जाना है आपको 3D शैडो को इनेबल करना है, जैसे मैंने किया ना इस तरीके से। इस तरीके से इमोजी वाले स्टिकर को ऐड करने के बाद में आपको एक बार फिर से प्लस के आइकन पर जाना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद में आपको एडिट पर जाना है एंड आपको यहाँ पर एक शायरी को लिखना है। आप यहाँ पर अपनी पसंद का शायरी लिख सकते हो, आपको गूगल पर काफ़ी सारे एटीट्यूड टॉपिक का शायरी मिल जाता है, तो वहाँ से आपको कॉपी करना है। इस तरीके से आपको अपना शायरी लिखना है। जैसे कि गाइस मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो मैं अपना शायरी जो है ना अलग अलग लाइन में लिखना चाहता हूँ, तो बाकी का जो पार्ट है ना मैं उसको कट कर देता हूँ। अब जिस टेक्स्ट को मैंने कट किया ना उसको मैं सेकंड वाली लाइन में लिखूंगा। सबसे पहले मैं जाऊँगा कलर फॉर एंड जो वाला कलर मैंने ऐड किया ना वही कलर आपको ऐड करना है। बाकी आपको क्या करना है, स्टोर को इनेबल कर देना, शेडो को इनेबल कर देना। जैसे कि मैंने यहाँ पर शेडो को एंड स्टोर को इनेबल कर दिया। इतना करने के बाद में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो आपने टेक्स्ट लिखा है ना इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में आपको एडिट पर जाना है, इस वाले टेक्स्ट को कट करना है। आपने जो कट किया था ना वो वाली फर्स्ट वाली टेक्स्ट में से, अगर यहाँ पर जो मैंने शायरी लिखा है ना, अगर आप ये वाली शायरी को लिख रहे हो ना, तो मेरे हिसाब से आपको एडिट करना है। बाकी अगर आप इससे अलावा कोई दूसरा शायरी क्रिएट कर रहे हो ना, तो वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे क्रिएट करना चाहते हो। इस तरीके से आपको अपने नेम के नीचे शर्ट में जो भी आप शायरी लिखना चाहते हैं वो वाला शायरी लिख देना। बाकी आपको एक और न्यू टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद में आपको एडिट पर जाना है। एडिट पर जाने के बाद में यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है, जो भी आपका नेम है। जैसे कि मैं यहाँ पर फटाफट से लिख देता हूँ आकाश क्रिएटर जोन। नेम को लिखने के बाद में गई से आपको जाना है 3D शैडो पर, 3D शैडो को इनेबल करना है। इस तरीके से आपको 3D शैडो को इनेबल करना है। बाकी आपको जाना है यहाँ पर स्टाइल वगैरह को आप चेंज करना चाहते हो तो कर देना। बाकी आपको कलर पर जाना है, कलर पर जाने के बाद में आपको अपने नेम में रेड कलर को ऐड करना है। इस तरीके से आपको कंप्लीट क्रिएट करने के बाद में आपको नीचे की साइड में फोर्थ नंबर पर टैप करना है। कलर के सेकंड नंबर पर टैप करने के बाद में इसको PNG करना है। PNG करने के बाद में आपको पिंक क्वालिटी कर शेप टू गैलरी, इसको गैलरी में शेप करने के बाद में अब आपको पिक्सल ऐप से बैक आना है। डन, आपको अपने अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे कि आप अपने अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपको सबसे पहला काम करना है आपको प्लस के आइकन पर टैप करना है। उसके बाद में सबसे पहले इसको 9.16 में करना है। उसके बाद में आपको जो बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड में आपको व्हाइट कलर को सिलेक्ट करना है। व्हाइट कलर को सिलेक्ट करने के बाद में आपको करना है क्रिएट प्रोजेक्ट। क्रिएट प्रोजेक्ट करने के बाद में आपको नीचे की साइड में प्लस के आइकन पर टैप करना है। डन, आपको जाना है मीडिया पे। मीडिया पे जाने के बाद में आपने जो पिक्सल ऐप से क्रिएट किया था नेम वाला स्टिकर, आपको वो वाला स्टिकर सिलेक्ट करना है। डन, आपको लेयर को पकड़कर आगे की साइड में सिलेक्ट करना है जितनी भी सेकंड का आप वीडियो बनाना चाहते हो। जैसे कि मैं अपना वीडियो 5-6 सेकंड का बनाना चाहता हूँ, तो मैंने अपने हिसाब से कर लिया, आपको अपने हिसाब से करना है। बाकी आपको इसमें ऑडियो को ऐड करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको सबसे पहले इसको बीच सेंटर में ऐड करना है। अब आपको ऑडियो को ऐड करने के लिए प्लस के आइकन पर जाना है। देन आपको अपने ऑडियो वाले सेक्शन में जाकर ऑडियो को सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पर जो ऑडियो ऐड करना है उसका लिंक अभी आप जो वीडियो देख रहे हो इसी के कमेंट बॉक्स में एंड मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो वहाँ से आपको ऑडियो को डाउनलोड करना है। आपको अपने ऑडियो वाले सेक्शन में जाकर ऑडियो को सिलेक्ट करना है। फिलहाल मैं यहाँ पर वीडियो में से एक्सट्रेट ऑडियो कर देता हूँ, यहाँ पर ऑडियो बन चुका है। आपको ध्यान रखना है आपको अपने ऑडियो के हिसाब से लेयर का सही रखना है, जैसे मैं कर रहा हूँ ना इस तरीके से। इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, इसमें XML इफेक्ट को ऐड करना है। आपने जो पिक्सल ऐप से क्रिएट किया था ना उस वाले लेयर में आपको इफेक्ट को ऐड करना है। सबसे पहले आपको XML फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा, तो ध्यान रखना है अभी आप जो वीडियो देख रहे हो इसी के कमेंट बॉक्स में एंड मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको XML फाइल का लिंक मिलेगा। आपको ध्यान रखना है अगर आप कमेंट बॉक्स में से XML फाइल को डाउनलोड करोगे ना, तो आपको डाउनलोड कर इंपोर्ट करना पड़ेगा लाइट मोशन के अंदर। अगर आप टेलीग्राम से उसको इंपोर्ट करना चाहते हो तो सिंपल से आप डायरेक्टली उसको इंपोर्ट कर सकते हो, आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको इंपोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना है, डायरेक्टली आप इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करना नहीं आता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा, उसको देखकर आप इंपोर्ट कर लेना। उसके बाद में आपने जो प्रोजेक्ट इंपोर्ट किया उसको सिलेक्ट करने के बाद में आपको लेयर पर टैप करने के बाद में इफेक्ट पर जाकर आपको 3 डॉट पर टैप करने के बाद में इसको कॉपी इफेक्ट कर लेना है। जल्दी जल्दी में हो चुका है एंड यहाँ पर आपको बैक आना है। बैक आने के बाद में आपको जो एडिट करे थे उस प्रोजेक्ट पर जाना है। सेम तरीके से आपको लेयर पर टैप करना है, इफेक्ट पर जाना है। इफेक्ट पर जाने के बाद में आपको 3 डॉट पर टैप करने के बाद में कॉपी इफेक्ट करना है। कॉपी इफेक्ट करने के बाद में गाइस अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको इसमें एक लाइटिंग वाला वीडियो ऐड करना है, जैसे कि आपने प्रीव्यू में देखा था। तो आपको अपने टेक्स्ट वाला जो लेयर है ना, आपको उसमें एक लाइटिंग वाला वीडियो ऐड करना है। सबसे पहले आपको लाइटिंग वाली वीडियो को डाउनलोड करना है। आपको क्या करना है, प्लस के आइकन पर टैप करना है। 0 सेकंड लेंथ पर रहने के बाद में आपको क्या करना है, प्लस के आइकन पर टैप करना है। मीडिया पे जाना है एंड आपको जो लाइटिंग वाला वीडियो है ना, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर एंड इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिलेगा, तो वहाँ से आपको डाउनलोड करना है। इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है।
वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद में आपको बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए वीडियो क्लियर पर टैप करना है। उसके बाद में आपको जाना है ब्लेंडिंग पर। ब्लेंडिंग पर जाने के बाद में गाइस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। जैसे आप ब्लेंडिंग पर टैप करोगे ना, आपको सबसे पहले जाना है लाइट एंड पर। लाइट एंड पर जाने के बाद में आपको फर्स्ट नंबर पर एक स्क्रीन वाला है, तो आप चाहो तो स्क्रीन को भी ऐड कर सकते हो। बाकी आपको एक एक कर क्लिक कर देख लेना है आपको कौन सा वाला आपके स्क्रीन में सेट हो रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो मेरा फोर्थ वाला है ना, स्क्रीन में सही से सेट हो पा रहा है। बाकी इसकी ओपेसिटी को आपको थोड़ा डाउन कर देना है, जैसे मैंने किया ना, कम से कम आपको इसको 51% करीब रखना है इसकी ओपेसिटी को। बस आपको इतना सा प्रोसेस करना है, बाकी आपको अपने लेयर के हिसाब से इसको रखना है। बाकी के पार्ट को आपको स्प्लिट करके डिलीट कर देना है। इतना करने के बाद में आपको एक लास्ट काम और करना है। आपको जो लाइटिंग वाला वीडियो है ना, इसके लेयर पर आपको टैप करना है। डन। आपको नीचे सेट में मूवी एंड ट्रांसफॉर्म पर जाना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना है, जो मैं बता रहा हूँ ना, वो स्टेप आपको फॉलो करना है। सिंपल से आपको इस पर क्लिक करना है एंड इसका जो ओपेसिटी है ना, इसको आपको 40, 41, 42% आपको करीब इसको रखना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे कि मैं इसको 41 डिग्री पर स्टॉप कर देता हूँ, आपको भी सेम तरीके से स्टॉप करना है। बाकी कैसे आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आपको अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। अगर आप नहीं करना चाहते वो आप पे डिपेंड करता है, फिलहाल आपने बनाया है तो एक्सपोर्ट तो करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट करने का सिंपल सा तरीका है, आपको ऊपर की साइड में टैप करने के बाद में आपको एक्सपोर्ट कर लेना। बाकी गाइस इस वाली वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। जाने इस पहली वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।